दयालु बाप की कहानी। एक दिन ईसु कई लोग नाउन को शिक्षा देत होती, जो ओकी शिक्षा को सुनन के गुना जमा भय होती। ही लोग टैक्स लेन वाले और संग में कई दूसरे लोग भी होती, जिनने मूसा की व्यवस्था को पालन करन की कोशिश नहीं करीन। कई धार्मिक अगुआ नाउन ने देखिन कि ईसु ही लोग नाउन से एक संगी के सार को बात करत होती। एके गुना हुन ने एक मेक से यो कहनो शुरू करीन कि हु गलत कर रही है। ईसु ने हुन को बात करत सुनी। एके गुना ओने हुन को यह कहानी बताई। एक मानुष होती जेके दो टूरा होती। छोटे टूरा ने अपने बाप से कहिस, हे मोरे बाप, मोको अभी मोरो हिस्सा दे दे। एके गुना ओके बाप ने अपने दोई टूरा के बीच में अपनी संपत्ति को बांट दी। तुरुतच हु छोटो टूरा अपनो सब कुछ जमा करके दूसरे देश को चलो गई और पापी जीवन जीन से अपने पूरे धन को बर्बाद कर दी। कुछ समय के बाद जहां छोटो टूरा होती हु देश में एक बड़ो भयंकर अकाल पड़ी और ओके जवर जेवन खरीदन के गुना कुछ भी पैसा नहीं होती। एके गुना ओ को जो काम मिलीस हु डुक्कर नाउन को चरान को होतीस। हु इतनो दुखी और भूखो होतीस कि हु डुक्कर नाउन को जेवन खानो चाहत होतीस। आखिर में हु छोटे टूरा ने अपने आप से कहिस, मैं का कर रहे हम, मोरे बाप के सपाई सेवक नाउन के जवर भी खान के गुना बहुत है, फिर भी मैं यहाँ पे भूखो मर रहे हम। मैं अपने बाप के जवर वापस जाऊं और अपने बाप को एक सेवक बनन के गुना ओके से बिनती करू। एके गुना हु छोटे टूरा ने वापस अपने बाप के घर के किना जानो शुरू करीस, जबकि हु अभी दूरच होतीस। ओके बाप ने ओको आते देखिस और ओके पे दया करीस। धाव के अपने टूरा के जवर गईस और ओको गले से लगाए के चूमिस। हु टूरा ने कहिस, हे मोरे बाप, मैंने परमेश्वर और तोरे खिलाफ पाप करे महाम, मैं तोरो टूरा कहलान के लायक भी नहीं आम। पर ओ के बाप ने अपने एक सेवक से कहिस, जल्दी से जाए के सबसे साजरो कपड़ा लेके आओ और मोरे टूरा को पहनाओ। ओ की उंगली में मुंदी और ओ के पाय में जूता पहनाओ। फिर सबसे साजरो बछड़ा मारो ताकि हम खाबोन और खुशी मनाबोन, काया कि मोरो टूरा मर गए होतीस पर अब हु जिंदो है, हु घूम गई तीस पर अब हमने ओ को पाले नहन। एके गुना लोग नाउन ने उत्सव मनानो शुरू करीन। कुछ समय बीतन के बाद बड़ो टूरा खेत में काम करके घर आईस। ओने संगीत और नाच गाना की आवाज को सुनीस और अचंभित होइस कि यहाँ का हो रहीस है। जब बड़ो टूरा को मालूम भईस कि ही लोग खुशी मना रही है, काया कि ओ को भाऊ घर आ गए होतीस, तो हु बहुत गुस्सा भईस और घर में नहीं घुसीस। ओके बाप ने बाहर आए के ओ को उनके संग खुशी मनान की विनती करीस, पर ओ ने मना कर दीस। हु बड़ो टूरा ने अपने बाप से कहिस, इतने साल मैंने तोरे गुना पूरे ईमानदारी से काम करेम, कभी भी तोरी बात को नी टालेम, पर तूने मोको एक छोटी बकरी भी नी देस ताकि मैं अपने संगी नाउन के संग जीवन की खुशी मना सकूं, पर तोरो यो टूरा तोरे धन को पाप के काम में उड़ा देस है और अब जब हु आईस है तो ओके गुना खुशी मनान को तूने सबसे साजरो बछड़ा को मार डालेस। ओके बाप ने जवाब देस, हे मोरे टूरा, तू हमेशा मोरे संग हस और जो कई मोरो है वो सब तोरो है, पर हमारे गुना खुशी मनानो सही है, काया कि तोरो भाऊ मर गई तीस पर अब हु जिंदो है, हु घूम गई तीस पर अब हमने ओको पाले नहन।